गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 25 अगस्त 2022 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और 9 सितंबर 2022 को ये पूरी तरह रोल आउट हो चुका था। अभी आपके साइट पे अभी फ़िलहाल पता चल रहा होगा कि आपकी साइट की ट्रैफिक बढ़ी है या यहाँ पे डाउन हुई है। अगर आपके वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हुई है तो कहीं ना कहीं आप कंटेंट एआई का यूज कर रहे हैं, अपने आर्टिकल को लिखने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एआई बेस्ड हैं। देखिए, गूगल खुद एआई बेस्ड पे काम करता है, कभी कभी आपको कुछ भी पेनलाइजेशन मिलता है तो वो एआई के माध्यम से ही मिलता है मैक्सिमम जगह पर। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो अपनी साइट पर और वो अच्छा नहीं है, देखिए अगर जब भी आप एआई बेस्ड यूज करोगे अपना कंटेंट लिखने के लिए तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, हाई क्वालिटी के नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग एआई का यूज करके कंटेंट पब्लिश कर रहे थे। तो इसको टैकल करने के लिए गूगल ने यहाँ पे गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी अगर आपकी साइट की ट्रैफिक डाउन है तो आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। सर्च इंजन लैंड के मुताबिक गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो है वो 15 दिन लगे थे रोल आउट होने में कम्प्लीटली, और ये 25 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुए थे और सितंबर 9 2022 को ये पूरी तरह कंप्लीट हुए थे। यानी कि यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा कि आपकी साइट की जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है या अप हुई है। देखिए, अगर आप परफेक्टली काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई होगी, अगर आप कॉन्टेंट एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपकी साइट डाउन हुई है तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो आप जानिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कॉन्टेंट एआई का इस्तेमाल नहीं करना है आर्टिकल लिखने के लिए, क्योंकि गूगल हमेशा प्रेफर करता है अपने ऑडियंस के लिए कि हाई क्वालिटी कॉन्टेंट उन्हें प्राप्त हो, और वो पब्लिशर को भी ये बोलते हैं कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करिए ताकि आपको सर्च रैंकिंग में, गूगल के रैंकिंग में आपको बेनिफिट उसका प्राप्त हो पाए, ठीक है। तो आपको कभी भी कंटेंट एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने क्वालिटी आर्टिकल को अगर लिखना चाहते हो। देखिए, अगर आप कंटेंट एआई का यूज करना चाहते हो तो हाँ, आप इंट्रोडक्शन बनाने के लिए यूज करो, फाइनल वर्ड बनाने के लिए यूज करो, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने कंटेंट राइटिंग को प्रोफेशनल बना सकते हो कंटेंट एआई का इस्तेमाल करके, बट उसे आप एक कॉपी राइटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करिए, ना कि आप उसे मतलब पूरा आर्टिकल लिखने का आप सब कुछ उसे दे दे रहे हो और वही पब्लिश कर रहा है कंटेंट एआई। तब आपकी आर्टिकल जो होंगे वो कभी भी हाई क्वालिटी नहीं होंगे। आपको फोकस करना है कि अगर आप आर्टिकल वहाँ से ले रहे हो तो उसमें प्रॉपर मॉडिफिकेशन करिए। आपको देखना है कि हाँ, हमारा जो आर्टिकल है वो पढ़ने में उसका सेंटेंस इधर उधर तो नहीं है। कई बार क्या होता है कंटेंट एआई में सेम जो सेंटेंस होता है, वो जो पैराग्राफ होता है वो रिपीटेड होता है, तो ये सब ध्यान देना होता है। तो अगर आप कंटेंट एआई इस्तेमाल कर रहे हो तो वो नहीं करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि यदि आप पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, किसी और साइट से पेस्ट कॉपी कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी जो साइट है वो गूगल पे पब्लिश्ड है, इंडेक्स्ड है, वो रैंक कर रही है, वहाँ से अगर आप कॉपी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पेजेस को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है इस अपडेट के बाद, तो ठीक है, तो कॉपी पेस्ट भी मत करना। और अगला आप क्या कर सकते हो, यदि आप खुद से आर्टिकल लिख रहे हो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आपकी जो साइट की ट्रैफिक है वो डाउन हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही कंटेंट एआई टूल से जो लिखा जाता है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं है। आप देखो बाउंस रेट कैसा है आपका, बाउंस रेट से आपको पता चलेगा कि हमारे कंटेंट पर यूजर का इंगेजमेंट जो है कैसा है, ठीक है। बाउंस रेट अधिक है तो समझ जाओ आपके आर्टिकल में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और अगर आपकी साइट डाउन हो गई है तो मॉडिफिकेशन करके आप अपने साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है अगर आपकी साइट डाउन हो गई है। बेसिकली आपको अपने कंटेंट में ही चेंज करना है, तभी आपकी जो रैंकिंग है वो अप होगी, आपके ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा ये, और गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत से लोग हैं
जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आपके साइट की रैंकिंग को बीट कर रहे थे, ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर पाते थे वो बिना किसी टीम के, और उनको ये बेनिफिट मिलता था कि गूगल उन पर ट्रस्ट करने लगता था क्योंकि वो रेगुलर होते थे, बहुत सारे पोस्ट जाते थे उनकी साइट पर, तो उनका जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो रहा था और वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, ये इस अपडेट आने के बाद अब आपको जनरली काम करना होगा, तभी आपको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।